लगातार 42वें दिन किसान आंदोलन जारी। नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर से शुरू हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन। आंदोलनकारियों ने किया कल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार नहीं होंगे कोई मुख्य अतिथि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे पहले मुख्य अतिथि। उन्होंने हाल ही में रद्द कर दिया भारत दौरा। अब विदेशी मेहमान को नहीं दिया जाएगा नया न्योता। फिर सुर्खियों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब। प्रणब दा ने आखिरी किताब में पीएम मोदी को दी सलाह। असहमति की आवाज भी सुननी चाहिए। इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने किया चौंकाने वाला दावा। मारने की साजिश का लगाया आरोप। कहा डोसे की चटनी में जहर देकर और घर में सांप भेजकर मारने की हुई थी कोशिश। जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने किया भाजपा प्रत्याशी की हार सुनिश्चित करने का दावा। गोपालपुर सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए नरेंद्र कुमार ने कहा भाजपा के रोहित पांडे के पक्ष में प्रचार नहीं किया क्योंकि उन्हें बहुत घमंड था और वे हार गए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आज से उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन। सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। आज राजधानी लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का होगा आयोजन। भाजपा की पंजाब इकाई के नेताओं ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नेताओं ने कहा किसान यूनियन के नेताओं से अधिक प्रधानमंत्री किसानों को लेकर चिंतित। गतिरोध जल्द खत्म करने के लिए निकालेंगे हल। बिहार कांग्रेस पर टूट का खतरा। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह का दावा। कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अभिनेता अर्जुन रामपाल पर कसा एनसीबी का शिकंजा। अभिनेता की बहन को एनसीबी का समन। घर से मिली प्रतिबंधित दवाइयों पर करेगी पूछताछ। छात्रों को राहत देने की तैयारी में दिल्ली सरकार। स्कूल बैग के लिए जारी की गाइडलाइंस। स्कूल बैग का वजन 3 से 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। अलकायदा से जुड़े संगठन की फंडिंग को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज दावा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उठी उंगलियां। अमेरिकी संसद समिति की हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा के प्रशासन ने जानबूझकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा के एक सहयोगी को की थी फंडिंग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रवैये में आई नरमी। कोरोना और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हुई तकलीफों के बाद स्वीकारी अपनी नीतियों में कमी। कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर ब्रिटेन के बाद अन्य देशों पर भी टूटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक ब्रिटेन से कोरोना वेरिएंट 41 देशों में पहुंचा। चीन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। वीचैट पे समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के दिए आदेश। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच चीन ने की पैठ बढ़ाने की कोशिश। नेपाल के 13 जिलों में 15 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना। भारत पर नजर रखने का इरादा। पिछले 29 दिन से नहीं बदले डीजल पेट्रोल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83.97 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 74.12 रुपए प्रति लीटर। ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। आज से महंगा हो गया रेल का किराया। 22 मार्च से भारत में यात्री ट्रेनों का सामान्य परिचालन हुआ था बंद। सप्ताह के तीसरे दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 138 अंक और निफ्टी 38 अंक की बढ़त के साथ खुला। RBI ने बजाज फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। केंद्रीय बैंक ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जुर्माना। देश की सबसे बड़ी NBFC कंपनी है बजाज फाइनेंस। टू व्हीलर की बिक्री ने फिर पकड़ी रफ्तार। 8% तक हुई बढ़ोतरी। दिसंबर में घरेलू बिक्री में 3.16% की बढ़त दर्ज।